हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मैशर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केबल्स के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स यूज करते हैं, और जनरली यूज क्यों करते हैं, हम अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स। इन केबल्स के नेम्स आपने डेफिनेटली पहले भी सुने होंगे बहुत बार, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है नेम्स को याद रखना नहीं है, इनके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में या पीएसयूज के एग्जाम्स में एक्चुअली आते हैं, हमारा वो टारगेट है मेन। तो अगर मैं बात करूं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की, तो इनमें जो मेजॉरिटी जो है वो यूज करते हैं हम 10BT या 100BT। कई बार इस तरीके से लिखा आता है 10BT या 100BT। अगर इस तरीके से अगर आपको लिखा आ रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 10 का यहां पे मतलब क्या है, 10 Mbps, दिस इज व्हाट, 10 Mbps, इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि कितनी बिट्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं पर सेकंड। मतलब ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की हम बात करें तो केबल है क्या, एक तरह से मीडियम है, मतलब डिवाइसेस जो है इसके साथ कनेक्टेड है, और एक मीडियम है जिसके थ्रू पैकेट जो है या डेटा जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो अगर मैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करूं तो, और मैं यूज कर रहा हूं 10BT, तो यहां पे 10 क्या एक्चुअली में डिनोट कर रहा है, 10 Mbps, मतलब मैं एक सेकंड में 10 Mbps जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूं। बेस, अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस बेसिकली क्या है, बेस एंड ब्रॉडबैंड दो तरीके से हम यूज करते हैं, बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। बेसबैंड का मतलब क्या है कि अगर एक वायर है, उस वायर में अगर एक सिग्नल जा रहा है ऑलरेडी, तो उस टाइम पे दूसरा सिग्नल नहीं जा सकता, मतलब एट ए टाइम ओनली वन सिग्नल कैन ट्रांसमिट, ओनली वन सिग्नल कैन गो। अगर कोई और सिग्नल उस टाइम पे आया तो उनके बीच में क्या हो गई, कोलिजन होगी, उनके बीच में क्या हो जाएगी, कोलिजन होगी। तो इसीलिए एक टाइम पे सिर्फ एक नोड जो है अगर वो डेटा ट्रांसमिट कर रही है तो दूसरा कोई और ट्रांसमिट नहीं कर सकता, अगर इन केस कर रहा है तो कोलिजन इज पॉसिबल। ब्रॉडबैंड जो है, ब्रॉडबैंड हम जनरली यूज करते हैं जहां पे मल्टीपल सिग्नल्स एट अ पैरेलल, मल्टीपल सिग्नल्स पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो यहां पे हमने बेस बैंड लिखा हुआ है, तो बेस मतलब एक बार में एक अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो यस, अगर सेंडर रिसीवर को कर रहा है तो उसी टाइम पे रिसीवर सेंडर को वापिस नहीं भेज सकता, हाँ अलग अलग टाइम पे दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टी, टी का मतलब है 100 meters, टी का मतलब है 100 meters, 100 meter का मतलब है अगर वायर की लेंथ है 100 meter, लेट्स से वायर की लेंथ है अगर 100 meter, तो ये सिग्नल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम बात करें तो इसमें सिग्नल मूव कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब मूव करता है तो 100 मीटर तक ही वो मूव कर सकता है, 100 मीटर के बाद उसकी जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मतलब 100 मीटर के बाद उसमें क्या आकर हो जाएगा, अटेनुएशन का मतलब क्या होता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो लो हो जाती है, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है, उससे आगे वो ट्रेवल नहीं कर सकता। तो 100 मीटर तक ही ये सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर सकता है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं इनको जनरली ईथरनेट, इनको हम यूज करते हैं जनरली ईथरनेट लैंस में, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लेस देन 10 किलोमीटर, पहले तो लेस देन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बोलते थे, आज के टाइम आप कह सकते हो लैन जो आपके ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो जनरली लेस देन 10 किलोमीटर, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं किसको, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स को, जहां पे हम टोकन रिंग या टोकन बस, जैसे ये मैंने बनाया ये टोकन बस का एग्जाम्पल है, तो इस टोकन बस में जो ये केबल यूज कर रहे हैं इट कैन बी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद आई 100 बेस, 100 बेस का मतलब है 100 Mbps, और ज्यादा ट्रांसमिशन जो है और ज्यादा रेट हाई कर दी, अब एक सेकेंड में 100 Mbps आप ट्रांसमिट कर सकते हो। फिर आती है कोएक्सियल केबल, ऐसी कोएक्सियल केबल जो है उसमें भी जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकली है, 10BT, 10BT, इसमें चेंज क्या है, 10BT का मतलब है 200 meter, मतलब डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया, मतलब सिग्नल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, हाँ 200 मीटर के बाद अटेनुएशन हो जाएगी, या इस केस में आप कह सकते हो 500 मीटर के बाद
अटेनुएशन हो जाएगी, तो उससे ज्यादा वो सिग्नल मूव नहीं कर सकता। इट इज नॉट फिक्स्ड कि यही है, अब तो गीगाबाइट्स में भी आ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिखे कि अगर इन केस आपको एग्जाम में ऐसे लिखा आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि 10 का मतलब बेस का मतलब टी का मतलब होता क्या है। फिर आते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता, वहां पे जो है वो लाइट सिग्नल है। मतलब जो सिग्नल है वो स्पीड उसकी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 मीटर पर सेकंड, और 100 मेगाबिट्स पर सेकंड आप ट्रांसमिट कर सकते हो। बेस बैंड ही है एफएक्स। एफएक्स का मतलब है यहां पे फाइबर चैनल, और इसमें डिस्टेंस है जनरली 1.9 किलोमीटर या अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक जो है सिग्नल मूव कर सकता है अगर आप 100 बेस एफएक्स को यूज कर रहे हो। इसके अलावा 1000 बेस एफएक्स भी है, बहुत सारे अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, बट आपको मेन यहाँ पे पता होना चाहिए कि केबल्स को हम यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ईथरनेट लैन में, और जनरली ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा अटेनुएशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि अटेनुएशन क्या होती है, सिग्नल लो हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस उनका मेंशन किया हुआ है। अगर आपसे पूछ लें कि केबल्स में, कोई भी केबल अगर हम बात करें, इन केबल्स में कोलिजन पॉसिबल है, कोलिजन पॉसिबल है, लेट से इफ देयर आर एन डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन अ वायर, if there are n devices connected on a wire, what can be the maximum collision? What can be the maximum collision? n? कैसे? हम बात कर रहे हैं अगर बेस बैंड की, तो अगर n number of devices connected है, इसने start किया अगर भेजना signal, उसी time पे इसने किया, इसी time पे इसने किया, इसी time पे अगर इसने किया, तो सारे के सारे signal आपस में कोलाइड हो जाएंगे। तो अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, तो मैक्सिमम कोलिजन डोमेन भी बोलते हैं इसको, कोलिजन डोमेन। या अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम कितने डिवाइसेस कोलिजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, n, आउट ऑफ n सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट इसमें पूछ सकते हैं कि केबल्स फिल्टर कर सकती हैं, फिल्टर। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर a ने D को डेटा भेजना है, A ने D को डेटा भेजना है, तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आगे मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। मतलब अगर हम दो लेंस को अगर हम कनेक्ट करें तो अगर सिग्नल यहां पे मूव कर रहा है तो क्या ये आगे मूव हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, बिकॉज हम केबल्स में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, केबल्स आर प्योर हार्डवेयर। ना तो ये कोई आईपी एड्रेस चेक कर सकते, ना कोई मैक एड्रेस, कुछ भी चेक नहीं कर सकते। इसीलिए केबल्स हम यूज करते हैं फिजिकल लेयर में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस ओएसआई लेयर पे काम करती हैं केबल्स, फिजिकल लेयर पे। कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई मैक एड्रेस कुछ नहीं चेक कर सकती, ओनली बेसिक पर्पज है कनेक्शन का। तो अटेनुएशन याद रखना, फिल्टरिंग, तो और इसके साथ साथ किस लेयर पे ये काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केबल्स वी यूज इन द कंप्यूटर नेटवर्क। थैंक यू।